Morning pony will make a shimmer. Morning pony will make a shine. और मुझे ये बात पता है, यहाँ पे है सब कुछ fine. एक मेयर ऑफिस आएगी अपने, एक सोफा क्लर्क आया है कुछ बेचने. ये पोनी विल है शांत और सुंदर, कुछ नहीं होगा यहाँ, ना कोई होगी गड़बड़. मॉर्निंग पोनी विल मेक अ शिमर, मॉर्निंग पोनी विल मेक अ शाइन. अब मुझे ये बात पता है, यहाँ पे है सब कुछ. रेनबो डैश, ये फनी नहीं है. माफ करना डार्लिंग, मुझे तूफान को संभालना बिल्कुल नहीं आता. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है. तुम क्या कर रही हो और तुम्हारे क्यूटी मार्क को क्या हुआ? तुम क्या कह रही हो ट्वाइलाइट? मैं वही कर रही हूँ जो मैं उस दिन से करती आ रही हूँ जब से दिखाई दिया. मेरा आसमान कितना सुंदर लग रहा है ना? यहाँ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. रेनबो डैश कहाँ है? वो ये काम क्यों सही संभाल रही हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने मुझे क्यों जगाया. मुझे बारिश में सोना बहुत पसंद है. मैंने तुम्हें मौसम की वजह से नहीं उठाया स्पाइक. रेरिटी के पास रेनबो डैश का क्यूटी मार्क था और उसने कहा कि रेनबो डैश का कॉटेज है. कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है यहाँ. हे दोस्तों, रेनबो डैश, रेरिटी तुम्हारा काम क्यों कर रही है? और इक्वेस्ट्रिया के नाम पर ये क्या हो रहा है? ये एनिमल्स नहीं सुनते, नहीं मानते मेरी बात. ये होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, नहीं देते मेरा साथ. मुझे इन्हें रोकना होगा क्योंकि आपने देखा है, यही है मेरी किस्मत में. मेरे क्यूटी मार्क का यही कहना है. मैं चाहती हूँ इनकी हंसी ना हो कोई इनको गम, पर चाहे मैं जो भी करूँ होती ही हूँ फिर हरदम. मेरा कहना ना माने, मजाक उड़ाते जाए, यही शायद है मेरी किस्मत में. मेरे क्यूटी माँ का कहना है ये, मुझे फल तोड़ना नहीं है पसंद, फूलों की देखभाल कैसे करूँ, चाहे जितनी कोशिश करूँ, पानी का पाइप कैसे हो बंद. मुझे मेहनत करनी पड़ती है और थक जाती हूँ मैं, यही शायद है मेरी किस्मत में. मेरे क्यूटी मार्क का यही कहना है. देखो इसे क्या है बना, लगता तो है कोई ड्रेस, पर अच्छा नहीं है बना, हो गया मुझे स्ट्रेस. कोई मेरी मदद कर दो, मुसीबत को सुलझाओ, मेरी किस्मत नहीं है अच्छी. क्यूटी मार्क कहता बस यही कर ले जाओ. देखो मौसम भी बदल गया, मुसीबत बढ़ती जाए, ऐसा ना हो कि ये जम जाए, कोई प्रॉब्लम को सुलझाए. मुझे कोशिश करनी होगी ताकि कोई हल निकले, यही है मेरी किस्मत में, किस्मत में. मेरी क्यूटी माँ का कहना, मेरी क्यूटी माँ का कहना, मेरी क्यूटी माँ का कहना है यही. ठीक नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? रात जब तुम अपना 7 घंटे वाला लंबा बबल बाथ ले रहे थे, तो मेरे लिए एक स्पेशल पैकेज आया था प्रिंसेस की तरफ से. डियर ट्वाइलाइट स्पार्कल, इस किताब के आखिरी पन्ने पर जो जादू है वो स्टार्स वर्ल्ड द बियर्डेड का सीक्रेट अधूरा मास्टरपीस है. वो इसे ठीक नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया. मुझे लगता है कि तुम ही वो इकलौती पोनी हो जो इसे समझकर पूरा कर सकती हो, प्रिंसेस सेलेस्टिया.
एक से दूसरे के पास और दूसरे से पहले के पास, किसी की किस्मत बताएगा और फिर ये करेगा सारे काम। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और ये राइम भी नहीं कर रहा। मैंने उस जादू का इस्तेमाल किया ताकि मैं ये जान सकूं कि ये क्या करता है, पर कुछ नहीं हुआ। पर अब मैं समझ गई कि कुछ तो हुआ है। उस जादू ने एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी को आपस में बदल दिया है और इसलिए उन सबके क्यूटी मार्क्स गलत दिख रहे हैं। तो जादू को उल्टा कर दो और सब पहले जैसा करो। इस जादू का उल्टा जादू है ही नहीं। ट्वाइलाइट, तुम उस याददाश्त वाले जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? उनकी याददाश्त की वजह से नहीं है स्पाइक, दरअसल पोनीज ही आपस में बदल गई हैं। तो फिर क्यूटी पॉक्स वाला इलाज? उससे भी काम नहीं बनेगा। ये इतना भी बुरा नहीं है, शायद तुम्हारे दोस्तों को नई जिंदगी पसंद आ जाए। नहीं स्पाइक, वो नहीं है जो उन्हें होना चाहिए। उनकी किस्मतें बदल चुकी हैं और ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। तरीका कोई मिल जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं पता था एक छोटी सी भूल होगी ऐसी जिससे दिल टूट जाए। मैं करूं ये क्या हुआ, मुझे अब क्या है करना, ढूंढो जवाब में कैसे मुश्किल से लड़ना। अब क्या मैं करूं, मैं करूं। ओह स्पाइक, ये मैंने क्या कर दिया? ओह कम ऑन ट्वाइलाइट, तुम इसे ठीक करने का रास्ता निकाल ही लोगी, ये तुम्हारे दोस्त हैं। सही कह रहे हो स्पाइक, और मेरे लिए इनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त। ट्वाइलाइट, तुम ठीक तो हो ना? मैं समझ गई, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तुम जानती हो? मैं भले ही उन्हें याद नहीं दिला सकती कि वो कौन है, पर मैं उन्हें ये जरूर दिखा सकती हूँ कि वो एक दूसरे के लिए क्या मायने रखती हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने किस हिस्से को खोया है और इस तरह वो अपनी दोस्त की मदद कर पाएंगी। कम ऑन स्पाइक। फ्लटरशाई रुको। हे ट्वाइलाइट, तुम कहाँ जा रही हो? मैं वापस क्लाउड्स डेन जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है, पर मैं किसी को भी हंसा नहीं पा रही। इससे पहले कि तुम जाओ, मैं सोच रही थी कि क्या तुम रेनबो डैश की मदद करोगी? उसे अपने जानवरों को संभालने में बहुत परेशानी हो रही है। पर मैं जानवरों के बारे में कुछ नहीं जानती सच में। पर तुम रेनबो डैश को तो जानती हो ना? मैं जानती हूँ कि वो एक सच्ची दोस्त है और मैं उसकी मदद के लिए कुछ भी करूँगी। बस करो ये सब। रेनबो डैश, मैं आऊँ, बचाओ मुझे। जल्दी करो ट्वाइलाइट, उसे बाहर निकालने के लिए कोई जादू करो। नहीं फ्लटरशाई, सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकती हो। रेनबो डैश को तुम्हारी जरूरत है। हेलो नन्हे जंगल की जानवरों, मैं जानती हूँ कि तुम सब बहुत नाराज हो और रेनबो डैश को परेशान करना चाहते हो, पर हम सबको बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम शांत हो जाओ और कुछ देर के लिए आराम कर लो। ओ, देखो ये रहे तुम्हारे खाने के लिए कुछ जूसी पत्तियाँ और कुछ क्रंची मंची एकॉर्न्स भी। क्या तुम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेकर ये स्नैक्स नहीं खाना चाहोगे? ओह, देखो तो इन्हें भूख लगी थी इसलिए ये नाराज थे। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है नन्हे दोस्तों। गुडनेस, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन्हें समझ सकती हूँ। मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कि यही मेरा काम है, जैसे कि यही मैं हूँ, मेरी किस्मत। क्या क्या हुआ फ्लटरशाई? देखो तुम्हारा क्यूटी मार्क।
काम बन गया, काम बन गया। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस नॉर्मल हो गई। अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है। एक दोस्त ही दोस्त को रास्ता दिखाता है। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है और अपने दोस्त की खूबी को सामने लाता है। हेलो, क्या मैंने तुम्हारी दोस्तियाँ फंस दी है? वैनिटी को चाहिए मदद, जो भी कर सकती थी कर लिया है सब। करते हैं ट्राई उसकी मदद करने जाए, शायद हमें भी समझ में आ जाए। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है और अपनी दोस्त की खूबी को सामने लाता है। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है और अपने दोस्त की खूबी को सामने लाता है। क्या हुआ? समझाने की जरूरत नहीं है, पर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। एप्पल जैक ड्रेसेस बना रही है, चलो वहाँ चले। एप्पल जैक को चाहिए मदद, जो भी कर सकती थी कर लिया है सर। ट्राई मदद करते हैं हम, शायद इसी से समझ जाए हम। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है और अपनी दोस्त की खूबी को सामने लाता है। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है और अपने दोस्त की खूबी को सामने लाता है। अरे नहीं, मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा, या शायद मैं अभी सपना देख रही हूँ। जी, पिंकी पाई एप्पल फार्म को खोने वाली है, हमें एप्पल जैक की मदद लेनी होगी। एप्पल फार्म खोने वाली है? हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। पिंकी पाई मुसीबत में है, हमें होना चाहिए उसके साथ। जो भी कर सकते हैं हम करेंगे, मिलाकर हम हाथों से हाथ। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है और अपनी दोस्त की खूबी को सामने लाता है। एक सच्चा दोस्त अपनी दोस्त की मदद करता है और अपने दोस्त की खूबी को सामने लाता है। ये हुई ना बात, अब आगे क्या? शहर के लोगों में बहुत गुस्सा है, हमें पुरानी पिंकी पाई को वापस लाना होगा। मैं देखती हूँ, मुझे पता है क्या करना है। सबको हंसाना है, हमें लाइन की मुस्कान, ये डूबे हैं अपने गम में लाइन की जाने जान। जब दोस्ती हमने भाएंगे, ये फिर से हंसेंगे, हो जाएगा सब फिर से ठीक, खुशियाँ मनाएंगे। Come on, ponies! मैं देखना चाहती हूँ तुम सबको स्माइल करते हुए। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है और अपनी दोस्त की खूबी को सामने लाता है। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है और अपने दोस्त की खूबी को सामने लाता है। किसी की किस्मत का एक ही मार्क करेगा सारे काम। एक सेकंड रुको, मैं समझ गई उस जादू को कैसे ठीक करना है। हम हैं जब साथ, साथ हैं तो हम सब दोस्त हैं। हमारी किस्मत के मार्क्स को एक साथ मिलाने पर जादू कभी नहीं होगा खत्म। जगह है Congratulations, Twilight. मैं जानती थी कि तुम ये कर लोगी। Princess, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या किया है मैंने। तुमने आज कुछ ऐसा किया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया, कुछ ऐसा जो कि महान यूनिकॉर्न स्टार सोल द बियर्डेड भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो दोस्ती को उतना अच्छे से नहीं जानते थे जितना कि तुम जानती हो।
तुमने पोनेविल में जो कुछ भी सीखा है उससे तुमने बहुत अच्छी सीख ली है। तुमने साबित कर दिया कि तुम तैयार हो ट्वाइलाइट। तैयार? किसके लिए तैयार? तुम हो? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ट्वाइलाइट के पंख निकल आए हैं। वाओ, एक नई उड़ने वाली दोस्त। तुम एक एलिकॉन बन गई हो। मुझे पता नहीं था ये मुमकिन है। एलिकॉन पार्टी! वाह, तुम तो एक प्रिंसेस की तरह लग रही हो। वो इसलिए क्योंकि वो सच में एक प्रिंसेस है। हाँ? एक सेकंड रुको। एक प्रिंसेस? जब से तुम पोनीविल में आई हो तुमने साबित कर दिया कि तुम में जज्बा, दया, लगन, ईमानदारी और बेशक लीडरशिप की काबिलियत है जो एक प्रिंसेस में होनी चाहिए। क्या इसका मतलब है मैं अब आपकी स्टूडेंट नहीं रहूंगी? पहले की तरह नहीं ट्वाइलाइट। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर अब हम सब भी तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं। सच कहूँ तो तुम हम सब के लिए एक प्रेरणा हो ट्वाइलाइट। पर अब मैं क्या करूँ? कोई किताब पढ़कर मैं सीख सकती हूँ कि प्रिंसेस कैसे बनते हैं? उस सब के लिए बाद में बहुत वक्त मिलेगा तुम्हें। आज हम सब एक बहुत ही खास मौके का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरी सबसे भरोसेमंद स्टूडेंट ट्वाइलाइट स्पार्कल ने बहुत सारे अद्भुत कारनामे किए हैं जब से वो पोनीविल में रहने आई है, और उसी ने मुझे मेरी बहन से मिलाया, प्रिंसेस लूना से। पर आज ट्वाइलाइट स्पार्कल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उसने एक नया जादू बनाया और ये साबित कर दिया कि वो बेशक इक्वेस्ट्रिया की नई प्रिंसेस का ताज पहनने के लिए तैयार है। Fillies and gentle gods, मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ पहली बार प्रिंसेस ट्वाइलाइट स्पार्कल को। प्रिंसेस ट्वाइलाइट आ रही है, देखो देखो, प्रिंसेस यहाँ आ गई है, देखो 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 देखो। इन सबसे कुछ कहो प्रिंसेस। कुछ वक्त पहले मेरी टीचर और मेंटर प्रिंसेस सेलेस्टिया ने मुझे पोनीविल में रहने भेजा था। उन्होंने मुझे दोस्तों के बारे में बताया था जिसके बारे में उस वक्त तक मुझे कुछ खास परवाह नहीं थी, पर अब
आज के इस खास मौके पर मैं कह सकती हूँ कि इन सब की दोस्ती की बदौलत ही मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तुम सब ने मुझे दोस्ती के बारे में कुछ ना कुछ सिखाया और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी एहसान मंद रहूँगी। तुम सब मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो। आज मुझे लग रहा है कि मैं इक्वेस्ट्रिया की सबसे खुशकिस्मत पोनी हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरी पोनी। ट्वाइलाइट, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। क्या तुम रो रहे हो? बिल्कुल नहीं, दरअसल मैं अभी मुंह धो के आया था, आंखों में पानी चला गया होगा। शाबाश प्रिंसेस, ये आज तक का सबसे अच्छा कॉर्नेशन डे है। We love you, Twilight. I love you too, girls. अब मुझे ये बात पता है, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है, यहाँ